पीछे आवाज नहीं आ रही, तो कुछ यहाँ पे बैठ जाओ। चलो तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे साइजिंग के बारे में, है ना। साइजिंग ऑब्जेक्टिव क्या था कि वार्कशीट में वीविंग कोशिश करने के लिए, है ना, वीविंग हमारा प्रॉब्लमेटिक ना हो, वीविंग में ब्रेकेज ना हो जान का, है ना। तो वीविंग को असिस्ट करने के लिए, वीविबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग यार्न में, यार्न शीट में, जो वाकई में यार्न शीट हम लोग बीम पे लपेटे हैं, वाकई हैं, उसमें हम लोग एक प्रोटेक्टिव फिल्म उसमें अप्लाई कर रहे थे हम लोग यार्न पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क है टू इम्प्रूव द वीविबिलिटी, वीविबिलिटी इम्प्रूव करना मतलब वीविंग में ब्रेकेज ना हो यार्न का, ठीक है। बढ़िया पढ़ाए यूनिफॉर्म कोटिंग, उसका कोट करें यार्न को, ठीक है, ऑन द यार्न सरफेस, इसलिए करते हैं ताकि जो हेयरिंग है सह यार्न का वो हमारा सरफेस पे हाँ चिपक जाए, बाइंड हो जाए, ठीक है। और इसको करने से देखा गया कि यार्न का स्ट्रेंथ भी हमारा बढ़ जा रहा है, 15-20% यार्न का स्ट्रेंथ भी हमारा बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में, ये भी डिस्कस कर देंगे कि साइजिंग के बाद हमारा यार्न, ये हमारा देखो ये साइजिंग के बाद है, ये हमारा अनसाइजमेंट है, हम लोग साइजिंग नहीं किया, हेयर ने देख रहा सब, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वीविंग में यार्न में कितना ब्रेजन होता है, कहाँ कहाँ से यार्न पास होता है और कितना जगह ब्रेजन होता है, फ्लेक्सिंग मूवमेंट होता है ना। तो उसको उसमें अगर बिना साइज का यार्न प्रोसेस करेंगे तो ब्रेकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कई सारे मेटालिक पार्ट्स हमारा यार्न पास हो रहा और फील्ड फ्रेम में कंटिन्यूस हमारा बहुत सारे ग्रुप ऑफ यार्न कंटिन्यूस अप डाउन मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्लेक्सिंग मूवमेंट भी हो रहा है और ब्रेजन भी हो रहा है, तो अगर हम लोग साइजिंग नहीं करेंगे तो हमारा यार्न ब्रेकेज वहाँ पे ज़्यादा आएगा, ठीक। बेनिफिट भी हम लोग देखेंगे, इट प्रिवेंट द यार्न ब्रेकेज ड्यू टू द ब्रेजन विद द नेबरिंग यार्न्स और विद बैक रेस्ट, हेड लाइन एंड ड्रिल, ठीक है। तो कैसे यार्न कहाँ से यार्न ब्रेकेज को कम करता है, तो ब्रेजन जो हमारा नेबरिंग यार्न जो ब्रेजन हो रहा था, हेयरनेस एक दूसरे के हेयरनेस से हमारा फंस के इंटरनल होके यार्न को ब्रेक कर रहा था हिल फ्रेम में, ठीक है, उससे बचा रहा हूँ, क्योंकि हेयरनेस हमारा क्या स्मूथ यार्न स्मूथ हो गया, हेयरनेस सरफेस पे चिपक गया, ठीक है। और एब्रेजन हो रहा किसके साथ, तो मेटेलिक सरफेस के साथ, जहाँ से यार्न पास हो रहा था लूम से, ठीक है, तो उससे एब्रेजन रेसिस्टेंस उसका बढ़ जाता है, हमारा स्मूथ हो गया तो एब्रेजन कम रहेगा, है ना। तो इससे हमारा क्या होगा कि ब्रेकेज, ये बारह यार्न ब्रेकेज हमारा कम जाता है, इम्प्रूव द यार्न स्ट्रेंथ बाई 10-20%। साइजिंग के बाद अगर यार्न स्ट्रेंथ, हालांकि मिसकंसेप्शन है कि साइजिंग हम लोग इसलिए करते हैं कि यार्न का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, लेकिन ये गलत है। यार्न स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए साइजिंग नहीं करते हैं, साइजिंग करते हैं यार्न को हमारा स्मूथ बनाने के लिए, हेयरनेस को बाइंड करने के लिए, ठीक है। ये उसका एडवांटेज है कि साइजिंग से हमारा यार्न का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है 10-20%, ठीक है। ऑल्दो इट इज नॉट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ साइजिंग, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव साइजिंग का नहीं कि यार्न स्ट्रेंथ हम लोग बढ़ाने के लिए साइजिंग करते हैं, ठीक है ना। साइजिंग इसलिए करते हैं कि वीविबिलिटी इम्प्रूव हो, यार्न ब्रेकेज नहीं हो, हम लोग यूनिफॉर्म कोटिंग लगाते हैं और उस दौरान हमारा यार्न का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है 10-20%। ये हमारा स्कीमेटिक डायग्राम था, प्रोजेक्शनल व्यू था साइजिंग मशीन का, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा वार्पिंग, जो हमारा बीम है, जो हम लोग वार्पिंग तैयार किए हैं, आइदर इट इज सेक्शनल वार्पिंग और बीम वार्पिंग या डायरेक्ट वार्पिंग, ठीक है। तो अगर सेक्शनल वार्पिंग होगा तो सिर्फ वन बीम होगा, एक ही बीम होगा, ठीक है। और अगर डायरेक्ट वार्पिंग का बीम होगा तो मल्टीपल बीम होगा, 10 बीम 20 बीम एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो सारे बीम को हम लोग क्रिल में, यहाँ पे एक क्रिल रहता है, ठीक है, क्रिल में लगाते हैं, फिर हर बीम से वार्पशीट को निकाल के हम लोग सब बीम से निकाल के फिर एक पूरा शीट कंबाइन होके तब ये साइज बॉक्स में जाता है, साइजिंग जोन जिसको बोलते हैं, इसको नाम है साइज बॉक्स। इसमें हमारा साइजिंग केमिकल रहता है, साइजिंग जो हमारा सब्सटेंस वो रहता है, ठीक है। इसे साइज वार्पशीट को पास करते हैं, ठीक है। इसमें से मटेरियल कितना पिक करना है, साइजिंग मटेरियल कितना पिक करना है, वो फिर डिसाइडेड रहता है कि 7% पिकअप चाहिए या 10% पिकअप चाहिए, है ना। वो डिटरमाइन वैल्यू के अनुसार वो पिकअप यहाँ पर होता है, फिर एक्सेस मटेरियल को उसको रिमूव कर दिया जाता है यार्न शीट से, फिर उसको चूँकि जो पिकअप किया है तो हमारा यार्न कैसा हो गया, तो वेट हो गया, भीग गया,
पानी से, तो पानी का पोर्शन तो हमको वेपरेट करना पड़ेगा। साइकिंग मटेरियल उसमें यहाँ में रहे लेकिन पानी हमारा वेपरेट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए ड्राइंग सेक्शन से पास करेंगे हम सीट को, फिर ड्राइंग सिलेंडर यहाँ पर लगे रहते हैं, अंदर से उसको हीटेड किया जाता है ना। तो ड्राइंग सिलेंडर के सरफेस पे, चूंकि हीटेड ड्राइंग सिलेंडर है और उसके सरफेस पे हम लोग यान शीट को पास कर रहे हैं, तो क्या होगा, यान हमारा ये यान से पानी हमारा वेपरेट हो जाएगा और यान हमारा ड्राई हो जाएगा, ठीक है। तो फिर फाइनल हमारा यहाँ पे स्प्लिटिंग जोन यहाँ पर रहता है, क्योंकि यान हमारा सब चिपक गया है सर, अब यान हमको सबको अलग अलग करना है। तो स्प्लिटिंग जोन में हम लोग यान को सेपरेट करते हैं अलग अलग, और फाइनली फिर हमारा वीवर बीम इसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे जो बनता है इसका नाम वीवर बीम है, जिसमें कितना एंड्स रहते हैं, लगभग 10,000 मान के चलिए, जो कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इस बीम को फिर हम लोग आगे ले जाएंगे कपड़ा बनाने के लिए, ठीक है। तो बहुत लोगों ने गलती कर दिया, वीवर बीम में 1,000 एंड्स में टिक लगा दिया, तो ध्यान रखना था, पहले भी हम बोले थे ध्यान रखना, कि वापर बीम और वीवर बीम दोनों अलग अलग चीज़ें। इसका नाम वापर बीम है, जो पीछे लगा है बैक में जो लगा है मशीन में, इसका नाम वीवर बीम, ठीक है। ये हमारा मशीन का पिक्चर है, पीछे साइड में हमारा क्रीन, ये हमारा साइजिंग जोन यहाँ पे रहता है, ये ड्राइंग जोन, ये स्प्लिटिंग जोन यहाँ पे है, और ये हमारा हेड स्टॉक है। ये उसका सीक्वेंस है, क्रील से निकल कर पहले साइज हाउस में जाएगा, फिर ड्राइंग जोन में जाएगा ड्राई होने के लिए, फिर स्प्लिटिंग जोन, तब हमारा बीमिंग जोन जो वीवर बीम बनाता है। तो ये जोन है हमारा क्रील जोन, है ना, चार जोन होते हैं साइजिंग मशीन में, क्रील जोन, साइड बॉक्स जोन या पावर बॉक्स भी बोलते हैं हम लोग उसको, ड्राइंग जोन, हेड स्टॉक जोन, जहाँ पे हमारा बीमिंग हो रहा है, ठीक है। द क्रील जोन कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ वापर बीम विच कैन बी अरेंज्ड इन डिफरेंट फैशन डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन ऑफ द क्रील। और क्रील भी कई प्रकार के हो सकते हैं, अब हम लोग देखेंगे आगे में नेक्स्ट स्लाइड में कि डिफरेंट टाइप का क्रील होता है। उस क्रील में हम लोग जितने भी 15-20 बीम हमारा जो डायरेक्ट वर्किंग है उसको हम लोग उसमें लगाएंगे, ठीक है। इंडिविजुअल वाफिट इमर्जिंग फ्रॉम वापर बीम आर मर्ज, हर बीम से जो वाफिट निकल रहा है उसको फिर मर्ज करेंगे हम लोग सारे बीम से निकाल के टुगेदर टू फॉर्म द फाइनल वाफिट, फाइनल वाफिट बनाने के लिए उसको मर्ज करेंगे सारा बीम से निकाल के, विच पासेस थ्रू द साइड बॉक्स, साइड बॉक्स में पास करेगा, वो टोटल सीट जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली एक बीम या चार बीम का जाए, टोटल सीट जो रिक्वायर्ड हमारा है, टोटल बीम का जो सीट है सब मर्ज करके तब पूरा सीट उसमें जाएगा, पूरा यान जाएगा साइड बॉक्स में, ठीक है। During the passage through the side box, the warp fit picks up the side fist. Side box में हम लोग side fist पहले तैयार कर रख देते हैं हम लोग, है ना। Side fist में क्या क्या होगा वो हम लोग देखेंगे, उसमें स्टार्च हो सकता है, एडेसिव हो सकता है, लुब्रिकेंट हो सकता है, वो हम लोग इंडिविजुअल पढ़ेंगे हम लोग। तो साइज पेस्ट, साइज बॉक्स में क्या है, साइज पेस्ट है, इसके थ्रू से यान को पास करना है यान सीट को, ठीक है। तो यान सीट जब पास करेगा साइज बॉक्स में तो पिकअप करेगा, अक्वायर करेगा साइज पेस्ट को अपने सरफेस पर, एंड होल्ड्स अ पार्ट ऑफ द पेस्ट आफ्टर एक्सचेंजिंग, है ना। जितना भी पिकअप किया है वो टोटल आगे नहीं जाएगा, उसमें से एक्सेस मटेरियल को फिर रिमूव करना है, उसके लिए स्क्वीजिंग रोलर रहता है, उसको जो है ना दो जो यहाँ से जो साइज बॉक्स से निकला उसको दो रोलर के बीच से हम लोग पास कराएंगे, ठीक है। ये दो रोलर हमारा ये दिख रहा, ये प्रेशर रोलर, प्रेशर से ऊपर से दोनों प्रेशर प्रेशराइज रहता है, मतलब प्रेशर अप्लाई करता है ताकि जो यहाँ में जो एक्सेस मटेरियल साइज पेस्ट जो अक्वायर हुआ है उसको रिमूव कर देना, ठीक है। तो जितना आपको चाहिए साइज पेस्ट का पिकअप उतना रखेंगे, बाकी प्रेशर से उसको रिमूव कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका प्रेशर बताता है कितना पिकअप हुआ है, तो उसके बाद जो मटेरियल हमारा रह गया यहाँ में, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पिकअप साइज पेस्ट एंड होल्ड्स ए पार्ट ऑफ द पेस्ट, है ना। जितना पिकअप किया था उसका एक पोर्शन ही हमारा आगे ले जाना है, बाकी को एक्सेस से रिमूव कर देना है, तो रिमूव कर रहा है इसकी जरूरत है जो साइजिंग बॉक्स में है ये, आफ्टर स्क्वीजिंग देन द वेट वार्प शीट पासेस थ्रू द ड्राइंग जोन। जो वेट वार्प शीट है यहाँ पे वेट भी किया है यहाँ पे, तो ये कहाँ से पास हो रहा है, ड्राइंग जोन से पास हो रहा है। तो कैसे ड्राइंग जोन में कई सारे सिलेंडर आते हैं, है ना, 8 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, 14 सिलेंडर, वो डिपेंड करता है कि मशीन के स्पीड किस स्पीड से हमको वाटर को वेपरेट करना है। ज़्यादा स्पीड चाहिए तो नंबर ऑफ सिलेंडर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जल्दी वो हमारा वेपरेट हो जाए वाटर, एंड वॉर ऑन द वीवर बीम। उसके बाद हमारा वो यहाँ पे स्प्लिटिंग जोन होकर फिर वीवर बीम में वाइंड होता है। तो ये प्रोसेस हमारा इसका है, चारों जोन का, क्रील जोन ये हो गया, साइज बॉक्स जोन हो गया, ड्राइंग जोन हो गया, स्प्लिटिंग जोन और हमारा हेड स्टॉक। अब हम लोग वन बाई वन देखेंगे क्रील कितने प्रकार के हो सकते हैं, है ना, पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं।
क्रिय जोन ऑफ ए साइजिंग मशीन क्या है फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिजाइन, ठीक है। तो कितने प्रकार के, जैसे हम लोग वाशिंग में देखे थे हम लोग कितने प्रकार के, यहाँ भी क्रिल का प्रकार होता है, ओवर एंड अंडर क्रिल, ठीक है। ये हमारा ओवर एंड, एक बीम ऊपर एक बीम नीचे, ठीक है। ये पहला बीम से यहाँ निकला, ये दूसरा बीम ऊपर से निकल गया, दोनों बीम का यहाँ से यहाँ निकल रहा, ठीक है। यहाँ से पहला बीम का यहाँ शीट निकल रहा था, अब इसके ये सेकंड बीम है, पहला ओवर अंदर, ठीक है। तो पहला बीम से यहाँ शीट निकला, फिर दूसरा बीम से यहाँ शीट निकला, अब ये तीसरा के ऊपर जाएगा, फिर तीसरा लेके फिर आगे बढ़ेगा, फिर चौथा लेकर आगे बढ़ेगा, इस प्रकार से सारा बीम का यहाँ शीट मर्ज होकर तब आगे बढ़ेगा साइज बॉक्स, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे ओवर एंड अंडर क्रीज, ठीक है। ओवर एंड अंडर क्रीज समझ में आया कैसे निकल गया, पहला बीम से हमारा हुआ यहाँ शीट निकला, ये क्या आ गया तो दूसरा बीम के ऊपर से, अब दूसरा बीम का भी निकलेगा, ठीक है। अच्छा ये कंटिन्यूअस जो है स्लो मोशन में मूव करते रहता, रोटेट करते रहता, ठीक है। ये इसका रोटेशन ऐसे है, मतलब अनवाइंड करा, फिर यहाँ से बीम ऐसे यहाँ गया, यहाँ से लेके फिर तीसरा के ऊपर से तीसरा को लेके फिर यहाँ आया, इस प्रकार से सारे बीम से मर्ज होके फिर बाहर निकलेगा, ये जगह साइज बॉक्स में, क्लियर हुआ। तो पहला ओवर एंड अंडर क्रिल, नेक्स्ट हमारा इक्विटेंशन क्रिल, वर्टिकल क्रिल और इनक्लाइन क्रिल, ठीक है। ओवर एंड अंडर दो प्रकार का हो सकता है, ठीक है। तो एक तो है पीछे वाला जो हम लोग देखें ये वाला, ठीक है। दूसरा ये है, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, ये वाला मान लिया 12 बीम का है सेट, तो 6 बीम ऊपर कर लिया हम लोग साइज बॉक्स 1 में और 6 बीम साइज बॉक्स 2 में, उसके बाद फिर दोनों मर्ज किए हम लोग, दो यहाँ पे साइज बॉक्स इस्तेमाल हो रहा है, ताकि इसमें टेंशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था पीछे वाला में, कि पीछे वाला जो बीम का जो यहाँ था वो बहुत आगे आते थे, उसमें टेंशन बहुत ज्यादा लगने लगा, ठीक है। और खींचा स्ट्रेच भी ज्यादा होने लगा, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेच हो, यहाँ खींच रहा और वो कितना यहाँ के अंदर से वो पास हो रहा, तो सबसे पीछे वाला में ज्यादा टेंशन ज्यादा स्ट्रेच, उससे बचने के लिए ये सिस्टम अपनाया गया, ठीक है। ये है भी ओवर एंड अंडर, ठीक है, लेकिन दो पार्ट बढ़ा दिया गया, हाफ बीम साइड बॉक्स 1 में जाएगा, हाफ बीम साइड बॉक्स 2 में जाएगा, उसके बाद दोनों फिर आगे मर्ज होकर निकलेगा ड्राइंग जोन में जाएगा वो, ठीक है। तो दो प्रकार के हो गए। उसके बाद ये इक्विटेंशन, ये दूसरा वाला इक्विटेंशन क्रिल है, इसमें क्या किया है यहाँ पे गाइड रोलर, हर बीम के नीचे गाइड रोलर लगा दिया, तो यहाँ से जो यहाँ सीट आया था ये इसको फिर यहाँ पे गाइड रोलर यहाँ पे लाया, फिर नीचे वाला से यहाँ सीट हमारा इसको यहाँ पे आया, ठीक है। ये दोनों आगे बढ़ा, फिर तीसरा यहाँ भी गाइड रोलर लगाया, इसका यहाँ सीट फिर यहाँ से मर्ज हुआ, फिर चौथा का यहाँ मर्ज हुआ, तो इसमें इक्विटेंशन सब सीट का टेंशन इक्वल हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग इक्विटेंशन क्रिल, क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा वर्टिकल क्रिल, वर्टिकली हम लोग बीम रखेंगे, एक दो तीन इस तरह से वर्टिकल कर, ठीक है। तो यहाँ से निकला, फिर यहाँ से निकला, फिर यहाँ से निकला और यहाँ आगे बढ़ा, फिर इसके साथ मर्ज हुआ, फिर इसके साथ मर्ज हुआ, फिर आगे बढ़ा मर्ज होके। इन केस ऑफ ओवर एंड अंडर क्रिल, अब वहां पर बीम आर अरेंज इन टू रोज, ठीक है, having different height, दोनों का height अलग अलग, in an alternate manner, the rocket coming out from the rearmost beam passes under the second beam and over the third beam and so on, already discuss किए कि पहला निकल के second के ऊपर जाएगा, फिर दोनों मिलकर फिर third के ऊपर जाएगा, ठीक है। The individual rocket coming out from beams are merged together to form the final rocket, the rocket coming from the rearmost beam definitely experiences more tension and stress. बोला हम क्या था कि सबसे पीछे वाला बीम से जो यहाँ से तो उसमें ज्यादा स्ट्रेच भी आएगा और टेंशन भी ज्यादा होगा, ठीक है। Then the rocket coming from the beam located nearest to the side box, as compared to side box की जो सबसे आगे जो बीम होगा उसका कंपेरिजन में पीछे वाला बीम का यहाँ सीट में स्ट्रेच ज्यादा रहेगा और हमारा टेंशन ज्यादा है उसमें क्रिएट होगा, ठीक है। The problem is partially mitigated when two crills are used, one for each of the two side box. ठीक है, दो साइज बॉक्स के लिए दो क्रिल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, 6 बीम या 10 बीमों पर 10 बीम नीचे, तो उससे क्या कि टेंशन थोड़ा सा कम गया हमारा यहाँ में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इन केस ऑफ इक्विटेंशन क्रिल, द पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ वर्कशीट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, है ना, इसमें पूरा डिफरेंट हो गया, इसमें बीच से जा रहा है ना, थर्ड बीम से निकल के फिर बीच से हमारा ध्यान जा रहा है। इक्विटेंशन की वर्कशीट डजंट मूव ओवर एंड अंदर, ये किसी के ऊपर या किसी के अंदर क्रिल के ऊपर नहीं जा रहा है ना, किसी बीम के ऊपर,
one small wire roller provided with every beam which deflects the warship toward the proper path. है ना, ये वाला आपके बोल रहे हैं, ये गाइड रोलर, ठीक है। तो इसका वारशिप इसके ऊपर से नहीं जा रहा है, या इसका ऊपर इसके ऊपर से नहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो गाइड रोलर सबको प्रॉपर पाथ में भेज रहा था, ठीक है। तो ये हमारा जो ऊपर वाले हमारे तीन क्रिल है, ओवर एंड अंडर और हीट टेंसर, उसमें स्पेस ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो स्पेस जहाँ पे लिमिटेशन स्पेस का लिमिटेशन हो, वहाँ पे हम लोग वर्टिकल क्रिल इस्तेमाल करेंगे। वर्टिकल में एक लाइन में 3 बीम 4 बीम हम लोग कर देते हैं तो हमारा स्पेस कम रहेगा, ठीक है। तो वर्टिकल बीम स्पेस को हमारा ये करता है, कम कर देता है, ठीक है। तभी हम लोग देखेंगे लास्ट फोर जो पैराग्राफ दिखा हुआ, जैसे जैसे साइजिंग हो रहा है हमारा, तो अनुमान वाला वारशिप कहाँ से, तो बैक बीम से हम लोग, या वापर बीम से, ठीक है। तो जैसे जैसे डायमीटर उसका कमेगा, है ना, यहाँ का टेंशन चेंज होगा, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी हमको वहाँ पे एक अरेंजमेंट डिवाइस लगाना पड़ेगा बैक बीम में, ठीक है, कि जैसे जैसे डायमीटर कम हो यहाँ का टेंशन हमारा इंक्रीज ना करें, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए तो उसका स्पीड हम लोग थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है, या फिर डेड वेट हम लोग हैंड कर देंगे उसमें, कि उसका यहाँ का यूनिफॉर्म टेंशन में आगे फिट करें, ठीक है। वही दिखाओ यहाँ पे, देयरफॉर इट इज द वार्प टेंशन बाय एडजस्टिंग आइदर द डेड वेट सस्पेंडेड विद द रोप पासिंग ओवर वाटर बीम और बाय कंट्रोलिंग द न्यूमेटिक प्रेशर अप्लाइड ऑन द बैरिंग रीजन ऑफ द वाटर बीम। ये हमारा साइज बॉक्स है, ठीक है। ये वारकिट कहाँ से आ रहा है, बैक बीम से सारा मर्ज होकर आ रहा है, ठीक है। ये इमर्शन रोलर है, ठीक है, ये हमारा वारशिट है, ठीक है। ये इमर्शन रोलर है, ठीक है, इसको वारशिट को डीप करके रखता है साइज बॉक्स में, ठीक है। ये हमारा स्टीम हीटेड रोलर है, ये साइज पेस्टिस में है। स्टीम हीटेड रोलर का काम ये है कि अच्छा, इसका जो साइज बॉक्स है एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है, 90 डिग्री या 100 डिग्री, है। तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अगर हम लोग टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे तो साइज पे उसका सॉलिड फॉर्म हो जाएगा, वो तो उसका विस्कोसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए ये पाइप लगा देते हम लोग, स्टीम हीटेड रोल्स, ठीक है। ये क्या करता है, स्टीम इंजेक्ट करता है साइड पेस्ट में, हमेशा स्टीम इंटरवल पे स्टीम इंजेक्ट करते रहे ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, हीटेड रहे। ये मटेरियल जो हमारा केमिकल है वो हमारा प्रॉपर टेम्परेचर में रहे, ठीक है। अगर टेम्परेचर जहाँ होगा तो जो पिकअप होगा यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा, वो ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए स्टीम हीटेड रोल लगे रहते हैं उसके साइज बॉक्स में नीचे। उसका काम यह है कि स्टीम को इंजेक्ट करते रहना, है ना। स्टीम क्योंकि 100 डिग्री ये होगा, 100 डिग्री होगा, तो जैसे ही हमारा स्टीम इसमें आएगा उसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा, फिर जैसे ही दोनों फिर स्टीम इंजेक्ट करेगा सब रोलर से। तो इस प्रकार से हमारा साइड बॉक्स का टेम्परेचर को मेंटेन करता है वो, ठीक है। ये इमर्शन रोलर हो गया, यहाँ पे उसका काम यह यहाँ से उसको पेस्ट में डुबो कर रखना, डिप करके रखना, फिर यहाँ से निकल के जो पिकअप किया है साइज पेस्ट, ठीक है। ये हमारा स्क्वीजिंग रोलर है, जिसके हम बोल रहे थे एक्सेस मटेरियल को रिमूव करने के काम आता है ये, ठीक है। टॉप स्क्वीजिंग रोलर, ठीक है। ये कास्ट आयरन का बना रहता है, इसके ऊपर हम लोग सिंथेटिक रबर का कोटिंग लगाते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि उसका जो हमारा यान पे प्रॉपर उसको कंप्रेस करें, स्क्वीज करें, ठीक है। ये हमारा बॉटम स्क्वीज रोलर रहता है, इसमें मेटेलिक सर्फेस रहता है। यह भी ध्यान रखना है कि टॉप स्क्वीजिंग रोलर में ऊपर कोटेड रहता है रबर का या सिंथेटिक मटेरियल का, नीचे वाला स्क्वीजिंग रोलर में हमारा मेटेलिक सर्फेस रहता है, ठीक है। इसके बीच से यान हम लोग और चाहिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं और ऊपर से प्रेशराइज भी रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो साइज पे यहाँ पे पिकअप हुआ है उसको रिमूव करता है, फिर जितना हमको चाहिए प्रीसेट वैल्यू उतना पिकअप को छोड़ के फिर यहाँ सीट हमारा आगे ड्राइंग जोन में जाता है। क्लियर हुआ या डॉट किस हुआ कुछ, ठीक है। ये वर्कशीट पूरा जा रहा है, इमर्शन रोल, ठीक है। स्टीम पाइप, इसका काम बता दिए हैं, उसका टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ये स्टीम इंजेक्ट करता रहता है वो, ठीक है। ये स्क्वीज रोलर, ठीक है। फिर उसके बाद ड्राइंग जोन, तो यहाँ पे एक बार डिप हो रहा है, एक बार स्क्वीज हो रहा है, इसको हम लोग बोले वन डिप वन नीप, इसको नीप बोलते हैं, नीप। स्क्वीज रोलर के पीछे जब जा रहा है उसको नीप बोलते हैं,
और जो इमोशन रो अंदर जो डीप कर रहा है उसको डीप बोलते हैं। तो एक इमोशन रो और एक पेयर ऑफ डिस्फ्यूज रोलर का इस्तेमाल हो रहा है, इसको बोलेंगे वन डीप और वन नीप साइज बॉक्स। ठीक है, इसमें देखो फर्स्ट इमोशन रो यहाँ पे डीप किया, ये फर्स्ट पेयर ऑफ डिस्फ्यूज रोलर वन डीप वन नीप यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे फिर इमोशन रो एक और हमने इस्तेमाल किए। ठीक है, तो सेकंड डिप यहाँ पे हुआ और सेकंड निप यहाँ पे हुआ, तो इसको बोलेंगे टू डिप टू निप साइज बॉक्स। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कितना पिकअप हमको अक्वायर करना है मटेरियल में, उसके हिसाब से हम लोग इसको डिसाइड करते हैं। कॉटन मटेरियल के लिए जनरली हम लोग टू डिप टू निप का इस्तेमाल करते हैं, और सिंथेटिक के लिए हम लोग वन डिप वन निप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? वन डिप वन निप, टू डिप टू निप, डॉट किसी को है? This is the zone where the warp fit is immersed in the size paste. उसको अंदर immerse करते हैं size paste में, and then squeeze. उसके बाद squeeze करते हैं उसको दो रोलर के बीच under high pressure, so that uniform coating of the size film, ठीक है, forms over the yarn surface. ठीक है, तो अब जो हमारा size paste squeeze रोलर के बाद जो यार्न निकला है तो उसमें uniform coating size film का हो गया। किसका हुआ? Size film बोला जाता है इसको। ठीक है, the process of immersion is called dip and the process of squeezing by means of a pair of squeezing roller is called nip. Dip किसको बोल रहे हैं? तो जो immersion roller immerse किया उसको dip बोल रहे हैं, और जो squeezing roller squeeze किया उसको हम लोग nip बोल रहे हैं। ठीक है, the size box can have different number of combination of dip and nip, है ना, दो dip, one dip, one nip, two dip, one nip, या two dip, two nip, इस तरह से combination अलग अलग हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या one dip, two nip भी हो सकता है। मतलब one dip हुआ, पहला स्क्वीजिंग रोल से पास हुआ, उसके बाद फिर एक और स्क्वीजिंग रोल, मतलब ज्यादा मटेरियल को रिमूव करने के लिए, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस यार्न, फॉर फिलामेंट यार्न वन डिप वन निप इज प्रेफर्ड, वेयर यस फॉर स्पन यार्न मेड फॉर स्टेबल फाइबर टू डिप एंड टू निप इज एडवाइजेबल। कॉटन में जनरली हम लोग टू डिप और टू निप इस्तेमाल करते हैं साइज बॉक्स में। टू डिप टू निप प्रोसेस अलाउज ग्रेटर टाइम फॉर इमर्शन, दो बार हम लोग डिप करेंगे तो उसको ज्यादा टाइम मिलेगा उसके उसमें रहने का, तो ज्यादा पिकअप करेगा मटेरियल को। ठीक है, एंड दस दिस प्रोसेस फॉर्म्स मोर यूनिफॉर्म कोटिंग ऑफ साइज फिन। व्हेन द यार्न्स आर स्क्वीज्ड बाय द फर्स्ट पेयर ऑफ स्क्वीज रोलर यार्न बिकम कंप्रेस्ड। ठीक है, टेक्सटाइल मटेरियल क्या होता है कि फ्लेक्सीबल होता है, जैसे ही उसको कंप्रेस करेंगे और कंप्रेसर फोर्स जैसे ही बाहर निकलेगा वो चाहे कि हम अपना पुराना पोजिशन पे वापस आए। ठीक है, तो इलास्टिक इन नेचर होता है, हम लोग पढ़े हैं टेक्सटाइल मटेरियल। तो पहला दो डिप दो निप में ज़्यादा पिकअप इसलिए होता है, ज़्यादा अच्छा कोटिंग होता है कि पहला डिप हुआ, पहला स्क्वीज रोलर उसको कंप्रेस किया, ठीक है, फिर मटेरियल कहाँ गया? सेकंड डिप में। तो पहला जो स्क्वीज रोलर से निकलेगा मटेरियल तो कंप्रेस हो गया वो, अब फिर वो चाहेगा कि वापस हम अपने पोजिशन पर आए तो उस नीचे सेकंड डिप में रहेगा, तो इनवर्ट प्रेशर क्रिएट होगा यार्न सरफेस के अंदर। ठीक है, तो इनवर्ट प्रेशर हुआ तो उससे फिर क्या होगा कि मटेरियल हमारा ज़्यादा अंदर अब्जॉर्व होगा साइड पिकअप सेकंड डिप में, है सेकंड डिप में ज़्यादा होगा, तो इस प्रकार से उसका जो कोटिंग होगा यूनिफॉर्म होगा। तो टू डिप टू निप में यूनिफॉर्म कोटिंग हमको मिलता है। ठीक है, यार्न बिकम कंप्रेस व्हेन द यार्न कम्स आउट ऑफ द निप ऑफ स्क्वीजिंग रोलर दैट ट्राई टू रिगेन अरेंजमेंट, देयरफॉर एन इनवर्ट प्रेशर इज क्रिएटेड। अच्छा, ओरिजिनल यहाँ पे ओरिजिनल लिखा हुआ, पैरेंट अरेंजमेंट या ओरिजिनल अरेंजमेंट, एंड देयरफॉर एन इनवर्ट प्रेशर इज क्रिएटेड व्हिच कॉजेज मोर पेनेट्रेशन ऑफ साइज, है ना, मटेरियल विद इन द यार्न सरफेस। जो इनवर्ट प्रेशर क्रिएट हुआ पहला कंप्रेशन के बाद, ठीक है, तो वो क्या हुआ कि हमारा व्हिच कॉजेज मोर पेनेट्रेशन ऑफ साइज मटेरियल। ठीक है, तो हमारा उसमें स्पेस बन गया और ज़्यादा हमारा पेनेट्रेशन हो गया साइज मटेरियल का। नेक्स्ट हमारा ड्राइंग जोन, है ना, हमको दोनों देखे, क्रीज जोन भी देख लिए, साइजिंग जोन भी, साइज बॉक्स जोन देखिए, नेक्स्ट हमारा ड्राइंग जोन है। दिस इज द जोन वेयर द वेट यार्न्स आर ड्राइड। अभी जो स्क्वीजिंग रोलर से निकला तो यहाँ हमारा किस फॉर्म में, तो वेट फॉर्म में, भीगा हुआ फॉर्म में। ठीक है, और ड्राइड बाई एवेपोरेटिंग द वाटर फ्रॉम द साइज पेस्ट। ठीक है, जो साइज पेस्ट हम लोग बनाए थे उसमें वाटर का भी इस्तेमाल किए थे, है ना, तो अब यहाँ से हमको वाटर को हमको एवेपोरेट करना है ताकि साइज पेस्ट यहाँ पर आ जाए और वाटर एवेपोरेट हो जाए और यहाँ हमारा सूख जाए। ठीक है, द ड्राइंग ऑपरेशन इज वेरी क्रूशियल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। साइजिंग में सबसे ज्यादा कंजम्पशन एनर्जी का ड्राइंग में होता है। ठीक है, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्राइंग ऑपरेशन, इट कंज्यूम्स मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ साइजिंग प्रोसेस। ठीक है, उसको जो सिलेंडर को उसे हीट करने बहुत एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत सारा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है।
So it consumes most of the energy of sizing process. Inadequate drying will cause sticking of yarn with one another, causing problem in weaving. अगर ड्राइंग सही से नहीं हुआ तो यार हमारा चिपक जाएगा एक दूसरे से, या फिर ओवर ड्राइंग हो जाएगा यार हमारा, तो उसका वीकनेस स्ट्रेंथ हमारा कम जाएगा। अगर यार को हम लोग ज़्यादा देर तक सिलेंडर पर छोड़ दिए तो क्या होगा, ओवर ड्राइंग हो जाएगा, ओवर ड्राइंग होगी यार हमारा वीक हो जाएगा, वो फिर वीविंग में ब्रेक हो जाएगा पूरा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राइंग होना हमारा, कि जितना टाइम में हमको यार को पास करना है उस रेसिडेंस टाइम जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर का रेसिडेंस टाइम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है यार का। और ये हमारा यान के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा यान हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं उसका टेम्पर। सपोज कि हम लोग फिलामेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, कॉटन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। और कितना टाइम तक वो सिलेंडर पे रहना है यान, ठीक है, तो ये हमको बताता है कि यान किस प्रकार का है। ओवर ड्राइंग विल मेक द साइज फील ब्रिटल एंड देयरफॉर दे मे फॉल अपार्ट बाय मिनिमम एब्रेजन, ठीक है। तो ओवर ड्राइंग ज़्यादा टाइम तक छोड़ दिए यान को सिलेंडर पे या ज्यादा टेम्परेचर इसको कर दिए तो ओवर ड्राइंग हो जाएगा और वो ब्रिटल बन जाएगा, हार्ड बन जाएगा और वीवी में थोड़ा टूट जाएगा वो यार। ये हमारा ड्राइंग जो है, ठीक है ना, ये साइज बॉक्स है, यहाँ से यहाँ हमारा निकल रहा है स्क्वीजिंग होकर, ठीक है। ये देखो हमारा पहला डिप हुआ, पहला स्क्वीज रोलर, फिर दूसरा डिप, दूसरा स्क्वीज रोलर, ठीक है। फिर ये हमारा दो जोन यहाँ पर ड्राइंग है, चार चार सिलेंडर का दो जोन, ठीक है, फोर सिलेंडर डबल सेक्शन ड्राइंग सिस्टम, ठीक है। तो 50% यान हमारा यहाँ चला गया, ठीक है, 50% यान हमारा यहाँ गया। अब ये 50-50 कैसे बांटेगा, तो जो वाटर में हम लोग लीजिंग डाल देते हैं, याद है ना बताए थे कि जो है दो लेयर में बांटने के लिए लीजिंग डालते हैं हम लोग, तो वहाँ से फिर 50% यान को ऊपर करेगा, 50 को नीचे करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा 50% यान को ये ड्राई करेगा, 50 को ये ड्राई करेगा, फिर यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ पे 50 ऐसे हमारा मर्ज हो गए, ये दोनों यान यहाँ मर्ज हुआ और फिर फाइनल ड्राइंग यहाँ पे हो गई, फिर बाहर निकल गया हमारा, ठीक है। ड्राइंग इज डन बाय पासिंग द वाशीट ओवर लार्ज नंबर ऑफ ड्राइंग सिलेंडर, बहुत बड़े बड़े सिलेंडर आते हैं उसके ऊपर से यान शीट को पास करते हैं हम लोग। कोटेड विथ टेफ्लोन, जो सिलेंडर है वो किससे कोटेड है, टेफ्लोन से, ताकि वो हमारा डायरेक्ट यान को डैमेज ना करे। अगर डायरेक्ट यान को 100 डिग्री पे हम लोग भेजेंगे तो डैमेज हो सकता है यान डैमेज, इसलिए उससे बचने के लिए हम लोग उसका कोटिंग टेफ्लॉन पे कोटिंग लगा देते हैं सिलेंडर सरफेस में, जिससे यान पास होगा। अरेंज इन सीक्वेंशियल मैनर द नंबर ऑफ ड्राइंग सिलेंडर कैन वेरी फ्रॉम 2 to 30 डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एवेपोरेटेड इन यूनिट टाइम, कितना समय में कितना वाटर रिमूव करना है वो बताता है हमारा कितना सिलेंडर का इस्तेमाल होगा, ठीक है। ज़्यादा स्पीड से वाटर रिमूव करना तो ज़्यादा सिलेंडर चाहिए, मशीन का प्रोडक्शन कम चाहिए तो हम लोग कम सिलेंडर भी काम कर सकते हैं। इन जनरल हायर स्पीड ऑफ साइजिंग वुड रिक्वायर मोर नंबर ऑफ ड्राइंग सिलेंडर, ठीक है। तो ड्राइंग ही साइजिंग का प्रोडक्शन बताता है, ड्राइंग कितना स्पीड से हो रहा है यही से हमारा साइजिंग का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो साइजिंग अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो नंबर ऑफ सिलेंडर हमको बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ड्राइंग हमारा जल्दी हो जाए, यान जल्दी निकल जाए बाहर। इस प्रकार का ये सिलेंडर रहता है, ठीक है, अंदर से इसको हीट दिया जाता है, सिलेंडर के अंदर से ये इसको हीट किया जाता है, ठीक है, ऊपर सिलेंडर वाला को मतलब गर्म करने के लिए, पर्टिकुलर टेम्परेचर करने के लिए, और ये टेफ्लॉन का लेयर रहता है, ठीक है, स्टीम ऑफ फॉर ड्राइंग, अंदर से उस स्टीम से या किसी डिवाइस के माध्यम से या फिलामेंट के द्वारा अंदर से उसको हीट दिया जाता है, ठीक है, सिलेंडर को। नेक्स्ट हमारा है जब हमारा ड्राई हो गया यान, अब उसको यान का किस फॉर्म में हो गया, वो चिपक गया, चूँकि हम लोग जो साइज पेस्ट में जो मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं वो बाइंडर और स्टार्च, स्टार्च क्या करता है यान को चिपका देता है, बाइंडर क्या करता है यान को चिपका देता है, तो यान हमारा सारा चिपक गया, 10 यार यान सब एक दूसरे चिपके हुए हैं, ठीक है। तो हमको आगे जो वीविंग करना है या फिर यान को ड्रॉ करना है फील फ्रेम से या रीड से, तो एक एक यान को हमको अलग चाहिए, तो उसके लिए स्प्लिटिंग जोन रहता है। आफ्टर ड्राइंग द वाच इट इज स्प्लिटेड सो दैट द यान्स रिटेन देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी बिफोर दे आर वॉर्न ऑन द वीवर बीम, दिस इज शोन इन फिगर, ठीक है। तो ये वाच इट आ गया ड्राइंग के बाद, ठीक है, ये लेज रोड हो गया है ना, तो इसको क्या दो के बीच में ना 50-50% के बीच में हम लोग इसको लेज रोड डालते हैं, ठीक है। तो 50 ऊपर चला गया, 50 नीचे चला गया, फिर एक और डालेंगे तो फिर इसको 50 को फिर आगे बांट देगा, इस प्रकार से 7 लीज हम लोग डालते हैं यहाँ पे 7 डॉट। स्प्लिटिंग इज रिक्वायर्ड बिकॉज वाच इट कमिंग आउट ऑफ द ड्राइंग सेक्शन अडेयर टू ईच अदर, अडेयर मतलब चिपक जाना, डिपेंडिंग ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द प्री ड्राइंग सेक्शन। लीज रोड विच आर ओपन कोटेड क्रोमियम, जो लीज रोड रहता है वो बहुत स्मूथ रहता है,
और क्रोमियम का बना रहता है, ठीक है, आर यूज टू स्प्लिट द वर्कशीट इन ए सिस्टमेटिक मैनर। ये देखो, ठीक है, ये यान शीट आया, पहला लीज रो दो भाग में इसको बांट दिया यान, फिर दूसरा लीज रो, फिर इसका जो 50 था इसको फिर दो भाग में बांटा, फिर नीचे इसको फिर बांटा, ठीक है। तो वर्कशीट 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से हम लोग नंबर ऑफ लीज रो का इस्तेमाल करके यान को हम लोग सेपरेट करते हैं। ये दूसरा एक तरीका तो वो है, दूसरा तरीका ये है कि सिर्फ मान ली चार बिन का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, चार बिन, तो पहला लीज रोड पहला बिन का अलग कर लिया, ठीक है, फिर दूसरा लीज रोड आया तो दूसरा वर्कशीट अलग कर लिया दूसरा बिन वाला, फिर तीसरा तीसरा वाला कर लिया, फिर चौथा अलग हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अब स्प्लिटिंग हो गया, उसके बाद हम लोग बीमिंग करेंगे, है ना, यहाँ पर हम लोग वाइंड करेंगे वीवर बीम में। आफ्टर स्प्लिटिंग द वर्कशीट इज फाइंड वॉर्म ऑन द रिवर्स बीम, ठीक है, इसमें रिवर्स बीम में वर्कशीट पासेस थ्रू एन एडजस्टेबल रीड विच कैन बी एक्सपेंडेड और कोलैप्स बेस्ड ऑन द विड्थ ऑफ द बीम, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेंडेबल फॉर्म है, ठीक है, एक्सपेंडेबल फॉर्म के बारे में हम लोग पढ़े थे, वो क्या करता है बीम यान शीट को बीम में कितना विड्थ में वाइंड कर रहा है उसके विड्थ को मेंटेन करता है, है ना, तो वो कोलैप्स कर सकता है या फिर हमारा एक्सपेंड या कोलैप्स कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है कोलैप्स कर सकता है, ठीक है। तो बीम में कितना विड्थ हमको यान में लपेटना है उसके लिए एक्सपेंडिंग फॉर्म रहता है, ठीक है। ये देखो बीमिंग हो रहा है यहाँ, ये हमारा एक्सपेंड, ये है जिग जग नेचर का है ना, ऐसे ऐसे जिग जग नेचर का, ये एक्सपेंडेबल कॉम है, ठीक है, ये यान हमारा बीम में जा रहा है, पॉइंट हो रहा है एक्सपेंडिंग कॉम से। स्प्लिटिंग करने के बाद हमारा यान इससे पास करेगा एक्सपेंडेबल कॉम से, तब फिर हमारा फाइनल बीम पे जाएगा वो। नेक्स्ट हम लोग साइजिंग मटेरियल में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, अब रहने दो आज नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है। तो साइजिंग मटेरियल में क्या क्या हम लोग केमिकल इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सा बाइंडर है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज को